कहना जरूरी समझती हूँ कि चुनाव में पूरे यूपी से मिले फीडबैक के मुताबिक जातिवादी मीडिया अपनी अनवरत गंदी साजिशों पर्यायोजित मैनेज किया हुआ मतलब सर्वे आदि कार्यक्रमों एवं लगातार नेगेटिव प्रचार के माध्यम से खासकर मुस्लिम समाज व भाजपा विरोधी हिंदू समाज के लोगों को भी गुमराह करने में ये प्रचारित करके काफ़ी हद तक सफल साबित हुआ है कि BSP भाजपा की बी टीम है तथा ये पार्टी सपा के मुकाबले में कम मजबूती से चुनाव लड़ रही है। ये खूब इन्होंने प्रचार किया जबकि सच्चाई इसके विपरीत है, बिल्कुल उलट है, क्योंकि भाजपा से बसपा की लड़ाई राजनीतिक के साथ साथ सिद्धांतिक व चुनावी भी थी, लेकिन मीडिया द्वारा इस प्रकार के लगातार दुष्प्रचार आदि किए जाने के कारण भाजपा के अति आक्रामक मुस्लिम विरोधी चुनाव प्रचार से मुस्लिम समाज ने एक तरफा तौर पर सपा को ही अपना वोट दे दिया तथा इससे फिर बाकी भाजपा विरोधी हिंदू लोग भी बसपा में नहीं आए। और यदि ये सभी लोग इससे ये स्पष्ट है कि मुस्लिम समाज का वोट यदि दलित समाज के साथ मिल जाता है, जैसा कि बंगाल के चुनाव में TMC के साथ मिलकर भाजपा को धराशायी करने का चमत्कार परिणाम दिया था, तो फिर वैसे ही परिणाम यहाँ भी दोहराए जा सकते थे। साथ ही ये लोग हमेशा इस तथ्य को एन वक्त पर भूल जाते हैं कि केवल BSP ही यूपी में भाजपा को सत्ता में आने से रोक सकती है, सपा नहीं। इनकी इसी गलत सोच का ही ये नतीजा है कि भाजपा फिर से सत्ता में वापस यहाँ आ गई है। और यदि यूपी में तिकोना संघर्ष हुआ होता जिसकी पूरी संभावना भी थी, तो तब यहाँ यूपी के परिणाम BSP की अपेक्षा के मुताबिक आते तथा फिर भाजपा को सत्ता में आने से रोक लिया जाता। अर्थात कुल मिलाकर मुस्लिम समाज BSP के साथ तो लगा रहा, किंतु इनका पूरा वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट कर गया। और इनके इस गलत फैसले से BSP को बड़ा भारी नुकसान ये हुआ कि BSP समर्थक अपर कास्ट व OBC समाज की विभिन्न जातियों में भी ये डर फैल गया कि सपा के सत्ता में आने से दोबारा यहाँ जंगल राज आ जाएगा और फिर ये लोग भी भाजपा की तरफ चले जाएंगे। इस प्रकार से भाजपा को हराने के लिए मुस्लिम समाज ने बार बार आजमाई हुई पार्टी BSP से ज़्यादा सपा पर भरोसा करने की बड़ी भारी जिसकी सजा BSP को मिली है। ये काफ़ी कड़वी में सीख लेने वाली भी है जिसकी सजा BSP को मिली है कि हमने पे भरोसा किया। जिसकी सजा BSP को मिली है वे काफ़ी कड़वी में सीख लेने वाली भी है, इसलिए इस कड़े अनुभव को खास ध्यान में रखकर ही अब BSP आगे अपनी रणनीति में बदलाव जरूर लाएगी। लेकिन ऐसे हालातों में भी BSP मूवमेंट के हित में संतोष की बात ये रही है कि दलितों में से खासकर मेरे खुद के अपने समाज का वोट हमेशा की तरह इस बार भी अपनी मूवमेंट व पार्टी की लीडरशिप के साथ चट्टान की तरह पूरी मजबूती के साथ खड़ा रहा है। जिन पर मैं कितना भी गर्व महसूस करूं वह कमी ही होगा तथा उनका जितना भी मैं आभार प्रकट करूं वह कमी ही होगा। और अब मेरी उन सभी से ये भी अपील है कि उन्हें अपना मनोबल बिल्कुल भी नहीं गिरने देना है, क्योंकि बाबा साहब के अनुयायी कभी भी अपनी हिम्मत नहीं हारते हैं तथा वे अपना संघर्ष लगातार जारी रखते हैं। सफलता फिर एक दिन
झक मार कर हमारे कदम जरूर चूमेगी। हमें बाबा साहब के कारवा को न रुकने देना है न झुकने देना है। साथ ही हमें ये भी मानकर चलना चाहिए कि बुरा वक्त खत्म होने वाला है, क्योंकि पूरा खून पसीना बहाने के बावजूद भी जो यूपी का इस बार परिणाम आया है तो उससे बुरा और क्या हो सकता है। अर्थात पार्टी के लोगों को निराश में हताश कतई नहीं होना है और अपने स्वाभिमान मूवमेंट की सफलता के लिए पहले की तरह ही पूरे जी जान से पार्टी के कार्य में लगे रहना है। साथ ही इस बार यूपी में पार्टी की अपेक्षा के मुताबिक नतीजे नहीं आने को लेकर फिर से मैं उन्हें ये कहना चाहती हूँ, इस बार चुनाव में मुसलमानों का वोट एक तरफा सपा की ओर जाते देखकर दलित वर्ग में से मेरे खुद के समाज को छोड़कर बाकी सभी हिंदू समाज में सपा के रहे गुंडा माफिया आतंकी और भ्रष्ट राज को याद करके तथा ये सोचकर कि कई हिंदुओं का वोट बटने से सपा सत्ता में वापस ना आ जाए, इसके डर से इन्होंने बीजेपी की नीतियों व कार्यशैली से दुखी व परेशान होते हुए भी अपना एक तरफा वोट बीजेपी को नरेंद्र ट्रांसफर कर दिया, जिसने फिर बीएसपी को सन 1977 में कांग्रेस पार्टी की हुई स्थिति की तरह यहाँ चुनाव में लाकर खड़ा कर दिया है। हालांकि इसके बाद फिर अगले हुए चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूर्व की तरह यूपी सहित देश के अन्य राज्यों में भी पुनः सत्ता में वापस आ गई थी। कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीति में कभी कभी वर्तमान की तरह ऐसे उतार चढ़ाव भी आते हैं जिससे अपनी पार्टी के लोगों को भी दुखी होकर शांत बैठने की बजाय या इधर उधर भटकने की बजाय बल्कि ऐसे बदली हुई परिस्थितियों का भी मुकाबला करने के लिए अपनी वर्तमान रणनीति में परिवर्तन करके आगे बढ़ते हैं। और इसके लिए बाबा साहब के राजनीतिक जीवन संघर्ष व उनकी सोच को भी ध्यान में रखकर अपनी पार्टी के जनाधार को फिर से कैडर के जरिए आगे बढ़ाना है। साथ ही इस मामले में हमें ये भी याद रखकर आगे बढ़ना है कि कांग्रेस ने बाबा साहब को अपने रास्ते का रोड़ा मानकर इनको सीधे चुनाव में कामयाब नहीं होने दिया था, लेकिन उन्होंने इससे भी अपनी हिम्मत नहीं हारी थी और फिर यहाँ जातिवादी व्यवस्था के शिकार हुए लोगों को एकजुट व संगठित होकर उन्हें राजनीति में आगे आने की भी सलाह दी थी, ताकि फिर वे सत्ता के जरिए अपना खुद का विकास पर उत्थान आदि कर सके, जैसा कि हमने यूपी में 4 बार करके दिखाया भी है। साथ ही उन्होंने उस समय कांग्रेस जैसे अन्य उन सभी जातिवादी पार्टियों से भी अलग रहने की भी सलाह दी थी जिनकी जातिवादी सोच में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखकर अपनी पार्टी के लोगों को फिर से यह अपनी पार्टी व मूवमेंट को आगे बढ़ाना है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं एवं अनुयायियों के साथ साथ सब समाज के उन सभी लोगों का भी हृदय से आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने बीएसपी को जिताने के लिए यह रात दिन काफ़ी कड़ी मेहनत की है तथा पूरे तन मन धन से भाजपा को हराने के लिए यहाँ लगे रहे हैं। साथ ही उत्तराखंड व पंजाब राज्य के भी पार्टी के अपने सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं एवं अनुयायियों का भी मैं पूरे तय दिल से आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने वह पार्टी को कामयाब बनाने के लिए अपनी पूरी पूरी कोशिश की है। हालांकि इन राज्यों में भी हमें उम्मीद के मुताबिक सही सफलता नहीं मिली है, जिसका पार्टी को काफ़ी दुख व चिंता भी है। वहाँ भी हम लोग वर्तमान जो राजनीतिक हालात चल रहे हैं तो उसको ध्यान में रखकर हम लोग आगे की रणनीति बनाकर अपनी पार्टी और मूवमेंट को
आगे बढ़ाएंगे। और मैं इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही मैं अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद व जय भारत।